हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है सैटरडे और हम बात करेंगे स्टॉप वॉच के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एवरी सैटरडे हम स्टॉप वॉच एपिसोड जो रिलीज करते हैं। सो टुडे इज द 10th एपिसोड ऑफ स्टॉप वॉच सीरीज। अगर आप नए हो, अगर आपने पिछले स्टॉक्स के जो हमने बातें की है, जो डिस्कशन किया है चार्ट्स के ऊपर, अगर वो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर आप जाके, वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट किया है स्टॉप वॉच करके, वो आप देख सकते हो। प्रीवियस वीक का वीडियो में ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, वो भी आप देख सकते हो वहां से। सो ये जो स्टॉक वॉच है उसमें हम हर हफ्ते एक स्टॉक डिस्कस करते हैं टेक्निकल पैरामीटर के बेसिस पे। अगर आप चाहते हो कि आपका कोई स्टॉक हम रिव्यू करें तो मेक श्योर आप कमेंट करिए सेक्शन, कमेंट सेक्शन के अंदर, तो हम उस स्टॉक को लिस्ट में रखेंगे और जब भी उसमें कुछ अच्छा सिग्नल दिखता है सो उसको हम नए जो स्टॉक वॉच एपिसोड रहेंगे उसके अंदर रिलीज करेंगे। सो आज का जो वीडियो है वो स्टॉक वॉच एपिसोड नंबर 10 और वो स्टॉक है टाटा मोटर। या दोस्तों आज का स्टॉक का जो नाम है वो टाटा मोटर को हम चेक करेंगे। सो मेरा चार्ट आपको दिख रहा है टाटा मोटर का, ये है स्पॉट प्राइस का चार्ट है। और जैसे कि हम मोस्टली डिस्कस करते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं, तो ये है 1 month का चार्ट है, मतलब मंथली कैंडल है, एक कैंडल मंथली है। सो मैंने मंथली चार्ट फॉर्म किया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट चीजें है इसमें नोट करें, जैसे हायर टाइम फ्रेम पे हम अगर बात करें, सो देयर इज अ वन गुड बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुई थी अक्टूबर मंथ में विथ अ वेरी गुड हाई वॉल्यूम्स, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये वॉल्यूम और ये जो पूरा हमको हम देखे तो 2016 से लेके जो फॉल हो रहा है मंथली चार्ट पे, सो ऐसा बड़ा वॉल्यूम क्रिएट नहीं हुआ है और बुलिश कैंडल पे तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। सो ये फर्स्ट टाइम दिखा है यहाँ पे काफी टाइम बाद। सो वो पहला अलर्ट था विथ वॉल्यूम एनालिसिस। सो ट्रेंड इसमें हमको एक डाउन साइड दिख रहा था, जो कि अभी मंथली चार्ट पे हमको ट्रेंड चेंज होते हुए दिख रहा है, पहला रिवर्सल दिख रहा है। सो ट्रेंड पे दिख रहा है। दूसरा बात करें तो वॉल्यूम कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश फॉर्म किया है। अभी ये जो दिसंबर मंथ है उसका अभी 2 ट्रेडिंग सेशन बाकी है, तो ऑलमोस्ट एंड होने को आया है ये मंथ, ये वाला लास्ट कैंडल जो है, तो प्रीवियस कैंडल का जो हाई है वो इसने दिसंबर मंथ में ब्रेक किया है, सो विच इज अ वेरी गुड साइन। और उस टाइम पे आप देख पा रहे हो कि वॉल्यूम्स आर अगेन हाईएस्ट, ठीक है। जो अक्टूबर मंथ में तेजी हुआ उसके बाद नवम्बर में हमको छोटा सा एक फॉल दिखा इस काउंटर में, करेक्शन जिसको बोले, प्रॉफिट बुकिंग भी बोल सकते हैं, और अगेन फिर से बुल्स का स्ट्रेंथ दिख रहा है विथ हायर वॉल्यूम्स प्रीवियस मंथ से ज्यादा, सो विच इज अ वेरी गुड साइन। अभी हम चेक करेंगे मोमेंटम, तो RSI इज अबव 40 हो चुका है, विच इज अगेन गुड साइन बिकॉज बिलो 40 वी आर कंसिडरिंग एज अ डाउन ट्रेंड। तो अबव 40 नीचे से ऊपर क्रॉस कर रहा है, मतलब नो मोर बैरिश, अभी नो मोर बैरिश लग रहा है इस काउंटर में। ये थे मंथली चार्ट्स के कुछ सिग्नल्स जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम ये देखने जैसे, हमको ध्यान रखने जैसे। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द वीकली टाइम फ्रेम। सो वीकली चार्ट के अंदर अगर हम बात करें सो अच्छा सा एक मोमेंटम देखने को मिला, ये जो जो अप ट्रेंड मूव दिख रहा है उसमें वॉल्यूम्स आर वेरी गुड, हायर वॉल्यूम्स है। फिर से ये जब व्हाइट कैंडल बड़ा फॉर्म हुआ तब फिर से हायर वॉल्यूम दिख रहा है, और जो छोटे छोटे कैंडल्स है, इंडिसेस कैंडल्स है, ये वीकली बेसिस पे, तो वहां पे भी वॉल्यूम ड्राई दिख रहे हैं, मतलब एक्युमुलेशन इसको बोल सकते हैं जिस हिसाब से ये पैटर्न फॉर्म हुआ है। अगर हम पैटर्न वॉल्यूम का कुछ इस तरीके का जब भी पैटर्न होता है तो वो एक एक्युमुलेशन उसको बोल सकते हैं, बिकॉज आफ्टर अप ट्रेंड और फिर से एक ऐसा वॉल्यूम में हमको ये एक्युमुलेशन देखने को मिल रहा है, सो विच इज अ वेरी गुड साइन अगेन। एंड लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से, लास्ट 2 वीक के कैंडल में हमको RSI अबव 60 दिख रहा है विद इंडिसेस स्मॉल कैंडल्स, सो अच्छा सा मूवमेंट है एक्सपेक्टेड है इस काउंटर के अंदर, बिकॉज 2 हफ्तों से ये काउंटर एक स्क्वीज के अंदर, मतलब छोटी से रेंज में ट्रेड कर रहा है। सो इम्पोर्टेंट है ये, अगर लेवल्स एक बार 170-180 के ऊपर डिसिसिवली जा रहा है, क्लोजिंग दे रहा है, तो एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्टेड है ये टाटा मोटर के काउंटर के अंदर। So RSI is above 60, which is again a very good sign. Momentum is higher side on a weekly time frame, again a very good signal. और हम daily time frame पे check करें, so daily time frame पे हमको एक अच्छा movement के बाद एक छोटा सा
रिट्रेसमेंट दिखा क्योंकि एक शार्प मूव था, अच्छा सा टाइम करेक्शन हुआ, प्राइस में थोड़ा सा करेक्शन हुआ, फिर से अपस्ट्रेंड रिज्यूम होते हुए दिखा यहाँ पे। और अभी जो प्रीवियसली ये चार पांच से कुछ ये है एक हफ्ते से अगर ये देखें हम ये वाला जो पोर्शन है पूरा यहाँ से तो एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है बट वॉल्यूम्स आर डिक्लाइनिंग। ओके सो कोई बड़ा करेक्शन दिख नहीं रहा और वॉल्यूम्स भी नीचे डिक्लाइन हो रहे हैं विच मीन्स नो सेलर्स आर पावरफुल। यहाँ पे सेलर्स पावरफुल नहीं है ये वाले जो स्मॉल जो ट्रेड हुआ। अभी पॉसिबिलिटीज है कि ऐसा जो बिग कैंडल है वो एक पॉसिबिलिटी है एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स का सीरीज स्टार्ट हो मतलब अपसाइड एक स्ट्रेंथ रिज्यूम हो विथ गुड वॉल्यूम्स बिकॉज आर एस आई इज ऑल्सो अराउंड 60-59 जोन विच इज अ वेरी बुलिश 58-59 जोन बुलिश एरिया है वो 60 क्रॉस करा है पर ग्रीन कैंडल के साथ तो यहाँ पे फिर से एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। सो शॉर्ट टर्म के चार्ट्स पे हम देखें तो ट्रेंड इज अप हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है इंडिसिसिव कैंडल्स है अभी बट जो उसके जो हायर टाइम फ्रेम्स है उसमें पॉजिटिव सिग्नल्स है बिकॉज हायर टाइम फ्रेम्स में मंथली हाई क्रॉस हुए दो मंथ के प्रीवियस टू मंथ्स के वीकली टाइम फ्रेम पे मोमेंटम बिल्ट अप है आरएसआई वो 60 है। डेली टाइम फ्रेम पे भी आरएसआई बुलिश जोन के अंदर दिख रहा है और कंसोलिडेट हो रहा है और प्रीवियसली एक यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी भी दिख रहा है हमको ये जो स्विंग है वहाँ ये उसका सपोर्ट का काम करेगा 170 जो इसने यहाँ पे लिया हुआ है सपोर्ट ऑलरेडी यहाँ पे हमको ये सपोर्ट दिख रहा है। सो ये एक अच्छा एरिया है जो एक बाइंग एरिया है सपोर्ट जोन बोलेंगे 170 जिसको ध्यान में रखें अगर स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट होता है तो अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर अगेन एंट्री करने की। सो ये थे कुछ रीजंस जो हमने अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे चेक किए जिसको ध्यान रखना है। अभी हम बात करेंगे लेवल्स के बारे में तो कौन से लेवल्स ध्यान रखना है तो उसके लिए हम बात करेंगे सबसे पहला तो अगर ये जो बताया है ये वाला जो लेवल है 170 का वो प्रीवियसली यहाँ पे स्विंग का रेजिस्टेंस था वो ब्रेक हुआ और सपोर्ट यहाँ पे रिटेस्ट हो रहा है। सो चेंज इन पोलैरिटी इसको बोलेंगे हम ध्यान में रखिए 170 तक अगर नीचे जाता है तो इसको हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं अपने स्टॉक के अंदर और ये जो बुलिश कैंडल है उसका जो लो है वो हम उसका स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पर तो 162-163 के रेंज में रखेंगे। तो अभी 170 तक नीचे गया तो बाय करेंगे 170-180 के जोन में इसको हम एंट्री कर सकते हैं 162 का इसका स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए। हायर लेवल्स में अगर बात करें तो दो तीन तरीके से हम कर सकते हैं एक तो हम फिबोनाची भी यूज कर सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक तो उसमें भी 193 का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है जो के प्रीवियस विंग का भी रेजिस्टेंस है वहीं पे तो 193 दिख रहा है अगर 193 क्रॉस होता है तो हमको यहाँ पे 215 का भी एक ऊपर का लेवल दिख रहा है। सो ये थे लेवल्स जो ध्यान में रखने हैं टाटा मोटर्स के लिए 162 का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन रखना पड़ेगा ऊपर में सबसे पहला रेजिस्टेंस है 193 वो आपका फर्स्ट टारगेट हो सकता है और अगर वो क्रॉस करने के बाद 215 का दूसरा एक रेजिस्टेंस है वो आपका सेकंड लेवल का टारगेट हो। तो ये लेवल्स आप ध्यान में रखिए टाटा मोटर का काउंटर एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है जो हमने रीजंस डिस्कस किए वो ध्यान में रखिए अलग अलग पैरामीटर्स पे इसको चेक किया है डिफरेंट डिफरेंट टूल्स पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे इसको हमने एनालाइज किया है और लेवल्स भी हमने डिस्क्राइब किए हैं जो आपको खास ध्यान रखने चाहिए। सो ये था हमारा स्टॉक वॉच एपिसोड नंबर 10th जिसमें हमने टाटा मोटर के बारे में बात किया। सो अगर आप चाहते हो कि आपका भी कोई स्टॉक हम रिव्यू करें तो मेक श्योर आप कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में वो स्टॉक का नाम सो हम उसको वर्कलिस्ट में रखेंगे फॉर फ्यू जो अगर आगे के जो एपिसोड्स रहेंगे उसके लिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू सो मच। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो इसको जरूर लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।